नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 100 मार्क्स जो हमारा इंग्लिश है, उसी 100 मार्क्स इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का एक चैप्टर एन एपिटाफ। देखिए, एन एपिटाफ जो ये वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति मर जाता है, डेड कर जाता है, तो उसकी समाधि बना दी जाती है, ठीक है, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में। और उसकी समाधि पर जो कुछ भी बातें लिखी हुई होती हैं, मीन्स समाधि पर जो लेख होता है, उसी को कहते हैं समाधि लेख। और एपिटाफ जो वर्ड है, इसका भी मतलब सेम यही होता है, समाधि लेख या फिर स्मृति लेख, ठीक है। तो एपिटाफ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। यह चैप्टर वाल्टर डीला मेयर के द्वारा लिखा हुआ है। इनका 50 मार्क्स इंग्लिश में एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, इको, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं एन एपिटाफ। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं थोड़ा लेखक के बारे में, मीन्स वाल्टर डीला मेयर के बारे में, जिनका जन्म जो है ये इंग्लैंड के ही एक गांव कार्लटन केंट में हुआ था, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था? 1873 में हुआ था, 1873 ईस्वी में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1956 ईस्वी में, ठीक है। इस चीज को हम लोगों ने इको वाले चैप्टर में भी डिस्कस कर ही लिया है। ये बच्चों के कवि हैं, आई मीन कि ये बच्चों के बारे में जो है बहुत ज़्यादा लिखते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों के कवि थे। और इनकी अगर कुछ फेमस चीज़ों की चर्चा की जाए, कुछ फेमस वर्क्स की चर्चा की जाए जो इन्होंने लिखी, तो द लिसनर्स कम विद एंड सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, ये सब जो रचनाएं हैं ये इन्हीं की रचनाएं हैं। और इसके अलावा ये नोवेल के लिए भी प्रसिद्ध है, फेमस है। आज का जो हमारा चैप्टर है एन एपिटाफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि ये चैप्टर किस चीज के बारे में है। इसका ऐसे फर्स्ट लाइन है, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटिफुल ओमेन। कवि जो है वो एक एपिटाफ के ठीक सामने है, एक कब्र के सामने है, चूंकि ये कवि का फोटो ऐसे नहीं है, मैंने लगा दिया है, तो वो एक एपिटाफ एक कब्र के सामने है। और कवि कहता है कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटिफुल ओमेन। यहां पे कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि चाहे आप कितना भी सुंदर हो जाओ, लेकिन एक ना एक दिन जो है आपकी जो सुंदरता है, ठीक है, एक ना एक दिन आपकी वो सुंदरता नष्ट हो ही जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को यहां पे बताया गया है। लाइज जो वर्ड है इसको बताया गया है, इसका मतलब होता है ऐसे विश्राम करना, आराम करना, ठीक है। और एक लाई का मतलब झूठ भी होता है। तो कभी कहते हैं कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटिफुल ओमेन, यहां पे मीन्स इस कब्र के अंदर एक मोस्ट ब्यूटिफुल, आप लोगों ने डिग्री पढ़ा होगा उसमें ये मोस्ट का यूज किया जाता है। तो वो जो सुंदर लड़की, वो जो औरत थी, वो मोस्ट ब्यूटिफुल थी, मीन्स वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, उसके इतना सुंदर लगभग लगभग ही कोई हो। तो कभी कहते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत औरत जो है वो आराम कर रही है। आराम कर रही है का क्या मतलब है? कि वो औरत जो है अब वो डेथ हो गया है उसका, औरत का, वो औरत जो है मर गई है और उसको दफना दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसको कवि ने अपने अंदाज में व्यक्त किया है। तो हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटिफुल ओमेन, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। लेकिन जब वो औरत जिंदा थी, अभी तो वो औरत जो है वहां पे लाइज है, वहां पे आराम कर रही है, वहां पे कब्र के अंदर है, लेकिन जब वो औरत जिंदा थी तो वो एक स्वच्छंद विचरण करने वाली औरत थी। इसका मतलब कि वो औरत जो है एक, समझिए आपकी किताब में इसका मतलब दिया गया है,
कि एक ऐसी औरत जिसको हैबिट हो एक जगह से दूसरे जगह आने जाने का, घूमने का, तो वो जो औरत जब वो जिंदा थी तो वो एक स्वच्छंद विचरण करने वाली औरत थी, ठीक है, एक यहां वहां जहां तहां है ना घूमने वाली औरत थी, और उस पे जो है कोई कमिटमेंट भी नहीं होता था, मींस उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। लेकिन कवि यहां पे एक और बात बताना चाहता है कि आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। कवि यहां पे एक और बात कहता है कि वो औरत भले ही स्वच्छंद विचरण करने वाली थी लेकिन कवि के हिसाब से सी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी, वो सबसे खूबसूरत औरत थी जो शायद ही, कवि यहां पे क्लियरली तो नहीं कह सकता क्योंकि वो ज्यादा औरतों को, पूरे वेस्ट कंट्री की औरतों को तो नहीं जानता, लेकिन कभी कहता है कि शायद ही वेस्ट कंट्रीज में कोई औरत हो जो उसके इतना सुंदर हो, ठीक है, मींस वो मोस्ट ब्यूटीफुल थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी, ठीक है। तो यहां पे लास्ट में कभी कहता है लेकिन हुआ क्या, बट ब्यूटी वैनिसेज, ब्यूटी पासेज, हाउ इवर रेयर रेयर इट बी, एंड वन वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। कभी कहता है कि लेकिन वो भले ही बहुत ज्यादा सुंदर थी लेकिन आखिरकार में हुआ क्या कि जो ब्यूटी थी, जो सुंदरता थी, वो वैनिस हो गई, सुंदरता जो है वो नष्ट हो गई, उसकी सुंदरता पास कर गई। आप कितने भी ज्यादा सुंदर हो जाओ आपकी सुंदरता मायने नहीं रखती। यहां पे कवि ये समझाना चाहता है हाउ इवर रेयर मींस वो जो सुंदरता थी वो ऐसे तो रेयर थी, मींस दुर्लभ थी, कहीं मिलने वाली सुंदरता नहीं थी, शायद ही किसी के पास उतनी सुंदरता हो, तो वो रेयर थी लेकिन आखिरकार में हुआ क्या, एट लास्ट हुआ यही कि उसकी सुंदरता जो है वो वैनिश हो गई, नष्ट हो गई। तो कभी यहां पे कहते हैं कि ब्यूटी जो है वो मायने नहीं रखता, वर्चू मायने रखता है, गुण मायने रखता है, ठीक है, वर्चू गुण। तो कभी कहना चाहते हैं कि वर्चू मायने रखता है, गुण मायने रखता है, आपकी जो सुंदरता है वो मायने नहीं रखती, क्योंकि अगर आप जो है मृत्यु को प्राप्त होते हो तो फिर आपको लोग आपके गुणों से याद करेंगे, आपकी सुंदरता से याद नहीं करने वाले हैं। और कवि ये भी कहता है कि एंड व्हेन आई क्रम्बल, कवि कहते हैं कि जब मैं जो हूं क्रम्बल हो जाऊंगा, मींस मैं टुकड़ों में बट जाऊंगा, टुकड़ों में बटने का मतलब ये है कि जब कभी भी उसी कब्र में चला जाएगा, उसी कब्र का मतलब कि उसकी भी जब मृत्यु हो जाएगी कवि की, Who will remember this lady of the West Country? इस West Country की औरत को कौन याद करेगा? Who will remember? मैं आज हूं तो मैं याद कर रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा सुंदर औरत थी, लेकिन जब मेरी भी मृत्यु हो जाएगी तो इसको याद करने वाला कौन रहेगा? क्योंकि इसने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि लोग इसको याद करें। तो सीधा सा बात है, मृत्यु के बाद अगर याद कोई आपको करेगा तो वो आपको आपके गुणों से याद करेगा, आपकी ब्यूटी से आपको याद करने वाला नहीं है, ठीक है। यही था एन एपिटेफ वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है।